बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फंक्शनल एनालिसिस ये हमारा सब्जेक्ट है और इसमें आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम करने जा रहे हैं। और थ्योरम की स्टेटमेंट आप देखिए कि अगर वाई एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स की सबस्पेस हो तो वो भी कंप्लीट होगी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन नेसेसरी भी है, सफिशेंट भी है, इफ एंड ओनली इफ का केस है। और वो क्या है कि वाई को एक्स में क्लोज होना चाहिए, यानी वाई किसी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की मैट्रिक की एक कंप्लीट स्पेस होगी, अगर वो क्लोज्ड हो एंड वाइस वर्सा इनर क्लोज्ड होगी तो मैट्रिक होगी। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो पहले जो हम पहली स्टेटमेंट है इफ वाली, वो हम करने जा रहे हैं, यानी हम इस मरहले में ये सपोज करेंगे कि वाई क्लोज्ड है एक्स के अंदर और हम ये प्रूव करेंगे कि वाई जो है वो कंप्लीट स्पेस है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि y is closed in x, जैसे आपको फर्स्ट टाइम में नजर आ रही है। अज्यूम y is closed in x, we need to show that y is complete। और y complete कब होती है? जब y की हर काशी सीक्वेंस जो है उसका कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो y के अंदर हो, y को बिलोंग करता हो। तो इसके लिए हमने एक काशी सीक्वेंस लेनी होती है y के अंदर, वो हम ले लेते हैं y n जो है वो काशी सीक्वेंस है। और ये आपकी समझ में होना चाहिए कि ये काशी सीक्वेंस कोई सिंगल काशी सीक्वेंस नहीं होती, बल्कि ये तमाम काशी सीक्वेंसेस जो वाई के अंदर बन सकती हैं उनकी नुमाइंदा काशी सीक्वेंस होती है, यानी जैसा बिहेव ये करेगी तो अल्टीमेटली बाकी जो काशी सीक्वेंसेस होंगी वो भी इसी तरह बिहेव करेगी। तो एक्स जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और वाई एन जो है वो एक काशी सीक्वेंस है एक्स के अंदर, ठीक है। वाई एन को हमने काशी सीक्वेंस जो है वो वाई के अंदर लिया है, लेकिन एक्स जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और वाई एन जो है वो वाई का सबसेट है और वाई जो है वो एक्स का सबसेट है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो वाई एन काशी सीक्वेंस वाई के अंदर है वो एक्स के अंदर भी काशी सीक्वेंस होगी। फिर एक्स जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, इसलिए एक्स की इस काशी सीक्वेंस वाई एन का जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा, लेट्स से कि उसका नाम वाई है, यानी वाई एन जो काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट वाई है। तो चूंकि एक्स तो कंप्लीट है नहीं, ये तो हमें पता है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाई होगा ये एक्स को लाजमी बिलोंग करेगा। अब हमने प्रूव ये करना है कि वाई जो है वो वाई को भी बिलोंग करता है। तो बहरहाल इस मरहले में हमारे पास क्या हो गया कि जो वाई है वो एक्स को बिलोंग करेगा, सच दैट वाई एन अप्रोचेज वाई एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी। अभी हमें हमें ये प्रूव करना बाकी है कि वाई जो है वो सिर्फ एक्स को बिलोंग नहीं कर रहा बल्कि वाई को भी बिलोंग कर रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वाई जो है वो क्लोज्ड है इन एक्स। अब जब आप कहते हैं ना कि वाई एन बिलोंगिंग टू वाई, तो इसका मतलब है कि वाई जो है वो एक लिमिट पॉइंट है इस काशी सीक्वेंस वाई एन का, और वाई एन जो है वो वाई की काशी सीक्वेंस है। फिर हमारे पास वाई क्या है कि क्लोज्ड है एक्स के अंदर, तो वाई एन जो है वाई का सबसेट होने की वजह से क्या होगा कि वाई एन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, यानी वाई का वाई के ऊपर कर रही है, तो y जो होगा वो लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल y सेट होगा, यानी स्मॉल y जो है वो कैपिटल y जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट होगा। और क्लोज्ड होने की वजह से, y के क्लोज होने की वजह से आपको पता है कि क्लोज स्पेस होती है उसके लिमिट पॉइंट का y के अंदर होना जरूरी है। क्लोज होती वो है जिसके जिसके तमाम लिमिट पॉइंट उसके अंदर मौजूद हो, तो y का जो लिमिट पॉइंट होगा ये y के अंदर होगा। इसलिए जो y एन y को अप्रोच कर रहे हैं वो सिर्फ x का मेंबर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा वाई का भी मेंबर हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि इस तरीके से ये प्रूव हो गई कि वाई की जो काशी सीक्वेंस है वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो वाई का भी लिमिट पॉइंट है, या वाई को भी बिलोंग करते हैं, सॉरी वाई को भी बिलोंग करते हैं। और ये किसी भी स्पेस को कंप्लीट प्रूव करने के लिए यही कंडीशन हमने प्रूव कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं ओनली इफ का केस, कि अगर वाई कंप्लीट होगी तो इसका मतलब है कि वाई क्लोज स्पेस होगी एक्स के अंदर। पहले हमने वाई को क्लोज मानकर वाई को कंप्लीट प्रूव किया था, अब वाई को कंप्लीट मानकर हम प्रूव करेंगे कि वाई जो है वो एक्स के अंदर क्लोज है। तो इसके लिए हम वाई को हमने कंप्लीट मान लिया, अब हमने ये शो करने के वाई क्लोज है एक्स के अंदर, तो इसके बजाय हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स माइनस वाई जो है वो ओपन, ठीक है जी। तो एक्स माइनस वाई ओपन होने के लिए हमने क्या करना है, जिसको हमने ओपन प्रूफ करना होता है हमने उसका एक पॉइंट मानना होता है। तो हमने x माइनस वाई को ओपन प्रूफ करना है, तो हमने x को
x minus y set में से उठा लिया, means के x जो का वो x में तो capital x में तो होगा लेकिन capital y set का member नहीं होगा. हमने show ये करने हैं कि x is not limit point of y, क्योंकि अब हमने x minus y को open prove करना है, तो x को y का limit point नहीं होना चाहिए. यानी दूसरे लफ्जों में जो पॉइंट्स y से बाहर हैं वो y के लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते. मतलब ये वही डेफिनेशन है, जस्ट हम जो उसको देखने का अंदाज है उसको तब्दील कर रहे हैं कि एक स्पेस जो है वो कब कंप्लीट होती है, सॉरी एक स्पेस जो है वो कब क्लोज्ड होती है, जब उसके लिमिट्स पॉइंट्स उसके अंदर हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स उसके अंदर ना हो वो उसके लिमिट पॉइंट्स ना हो. तो ये भी तो वही बात बनती है कि वाई क्लोज्ड होगी अगर y के तमाम लिमिट्स पॉइंट्स हैं वो y के अंदर हो. तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स y के अंदर ना हो उन्हें y का लिमिट पॉइंट भी नहीं होना चाहिए. तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि x जो कि y का मेंबर नहीं है, जस्ट कैपिटल x का मेंबर है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये y का लिमिट पॉइंट भी नहीं है. और इक्विवेलेंटली हमारे पास एक ऐसा ओपन बाल, जब लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक ओपन बाल, कम अज कम एक ओपन बाल ऐसा जरूर होता है जिसका आप रेडियस कोई भी ले लें, सूटेबल रेडियस लें अपनी मर्जी का, वो छोटा या बड़ा हम जितना भी रेडियस रखें, तो एक ओपन बाल ऐसा जरूर होना चाहिए जो वाई को इंटरसेक्ट ना करे. अगर हर ओपन बाल जिसका सेंटर उस पॉइंट को जिसको आप देख रहे हैं कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, अगर उसको सेंटर मानकर जिस भी रेडियस का आप ओपन बाल लें वो अगर वाई को इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट होगा वाई का. तो जब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि x जो है वाई का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक ओपन बॉल कम से कम एक ओपन बॉल जरूर होना चाहिए जिसका सेंटर x हो, रेडियस हमने अपनी मर्जी का चूज कर लिया एप्सिलॉन छोटा बड़ा जो भी हो, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये y को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो इसके लिए हम कंट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं. हम कहते हैं कि एक्स जो है वो वाई का लिमिट पॉइंट है, प्रूव ये करना है कि एक्स वाई का लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि है. जब है तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी सीक्वेंस होगी वाई एन वाई के अंदर कि वाई एन एक्स पर कन्वर्ज करेगी, क्योंकि लिमिट पॉइंट का ये मतलब होता है कि कोई ऐसी सीक्वेंस आपके पास है जो वाई के उस पॉइंट पर जिसका जो वो लिमिट पॉइंट है उसके ऊपर वो कन्वर्ज कर रही है. तो वाई एन अप्रोच करेगी एक्स को एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी. अब वाई एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वाई की, ठीक है, और y जो है वो कंप्लीट भी है. तो y n क्या होगा, मस्ट कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन y. तो ये जो y n x पर कन्वर्ज कर रहा है इससे y के कंप्लीट होने की वजह से क्या होना चाहिए, लाजमी y का कैपिटल y का मेंबर होना चाहिए. लेकिन ऊपर हम क्या सपोज करके आ रहे हैं कि x जो है वो x का तो मेंबर है लेकिन y का मेंबर नहीं है. तो बट वाई एन अप्रोचेज एक्स एंड एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ वाई, जैसे हमने शुरू में सपोज किया था, विच कॉन्ट्रडिक्स द अजम्पशंस दैट वाई इज कंप्लीट. लेकिन इससे क्या होगा, ये जो हमने हमें गिवन है कि वाई कंप्लीट है ये तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, तो गिवन चीज तो गलत नहीं हो सकती. इसका मतलब कि जो हम सपोजिशन जहाँ पे हमने किया वो गलत है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो वाई का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स को हम वाई का लिमिट पॉइंट मानेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि उसमें y कंप्लीट नहीं रहेगी, और y हमें कंप्लीट गिवन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि y x में क्लोज्ड है, क्योंकि y का कोई मेंबर x से बाहर नहीं है.